दिस इज द नेक्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ mac वेटलेस इज द नेम ऑफ ए सेट ऑफ एल पी वैन ठीक है लो पावर वैन प्रोटोकॉल फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स विद लो ट्रांसमिशन रेट्स ट्रांसमिशन रेट इसमें कम है वेटलेस हैव द वेरिएशंस वेटलेस पी वेटलेस एन एंड वेटलेस डब्ल्यू ये तीन वेरिएशंस के अवेलेबल हैं दीज टेक्नोलॉजीज आर स्टैंडाइज बाई द वेटलेस स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जिसको वेटलेस एस आई जी बोलते हैं द वेटलेस नेटवर्क की जै टिपिकल स्टार टोपोलॉजी अब तक हमने मैच टेक्नोलॉजी की बात की थी जो अर्लियर जो तो में यहाँ मैच टेक्नोलॉजी है सिस्टम कंपोज ऑफ द एंड डिवाइस ई डी एंड द बेस स्टेशन एंड डिवाइस आर देंसर नोट्स और एज ऑल्सो कॉल्ड लीफ नोड्स उनको लीफ नोड भी बोलते हैं सेंसर नोड्स हैं एंड द बेस कंसंट्रेट द कम्युनिकेशन विद द ईडीज द इंटर कनेक्शन विद द बेस स्टेशंस कम्पोजिज द बेस स्टेशन नेटवर्क बी एस एन दैट अमंग अदर थिंग द सिस्टम फैसिलिटीज सच एज ऑथेंटिकेशन रोमिंग एंड रेडियो रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग जो बेस स्टेशन जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उनसे बनता है बेस स्टेशन नेटवर्क और वही बाकी चीज़ों को मैनेज करते हैं जैसे ऑथेंटिकेशन रोमिंग रेडियो रिसोर्स वगैरह इन चीज़ों को वही मैनेज करते हैं तो नेक्स्ट इज वेटलेस प्रोटोकॉल स्टैक अब इसके अंदर क्या है फिजिकल लेयर फिजिकल चैनल है इसमें उसके बाद बेस बैंड ये भी फिजिकल लेयर के अंदर ही है ये ट्रांसपोर्ट चैनल है और उसके बाद लिंक लेयर इसमें लॉजिकल चैनल हैं उसके बाद डेटा अपर लिंक लेयर मैक के हैं ये लिंक और डेटा दोनों इसके अंदर दोनों का पार्ट होता है तो यूज़र चैनल और इसमें कंट्रोल चैनल ठीक है तो उसके बाद क्या है सर्विस लेयर तो ये दीज आर द प्रोटोकॉल्स वेटलेस प्रोटोकॉल स्टैक है कंट्रोल लिंक लेयर दिस इज़ कंट्रोल लिंक लेयर दिस इज़ FHMA, TDD, and TVWS, these are the, uh, this is the uh, bandwidth uh, that is used in weightless protocol. IEEE 802.11, A, B, G, and A, H, these are different versions. Uh, one of the most discussed and exploited standards in the functioning and application is IEEE 802.11 बहुत ज़्यादा यूज होने वाला स्टैंडर्ड है और द डिजाइन हैज़ एन इम्पल्स द डिमांड ऑफ हाई डेटा ट्रांसफर रेट ठीक है हाई डेटा ट्रांसफर रेट है इसकी और स्टैंडाइज बाय आई ट्रिपली एज प्रोटोकॉल फॉर द डब्ल्यू लैन इट्स टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व टू मीट द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंगली स्पेसिफिक डिमांड्स डब्ल्यू लैन के लिए प्र, प्रोटोकॉल डिफाइंड है स्टैंडाइज है दिस इवोल्यूशन हैज़ इनिशियेटेड ए ग्रुप ऑफ आई ट्रिपल जीरो टू पॉइंट वन वन स्टैंडर्ड दैट हैस फिडिलिटी वाई फाई के नाम से इसको फिर जाना जाने लगा इस ग्रुप को द ग्रुप इज द वाई फाई अलायंस दैट सर्टिफाइज वाई फाई प्रोडक्ट्स वाई फाई प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करता है इन ऑर्डर टू इन्श्योर द वाई फाई प्रोडक्ट्स मीट द स्टैंडर्ड्स दिस फैसिलिटी हैज नेम्ड द डब्ल्यू एन सिस्टम टूल बॉक्स विच गारंटी इज़ द कम्पेटिबिलिटी ऑफ द मार्केट प्रोडक्ट्स इन द फिज़िकल लेयर पैरामीटर्स ठीक है जो वाई फाई प्रोडक्ट बनते हैं उनके स्टैंडर्ड कुछ सेट होते हैं और जो ये ग्रुप्स बनते हैं वो उनका उनकी कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं फिज़िकल लेयर पैरामीटर्स के साथ कि वो कंपेटिबल हैं या नहीं है आई ट्रिपली एट ज़ीरो टू पॉइंट वन वन स्टैंडर्ड्स क्या हैं मैक सी एस एम में और उसके बाद आई आई ट्रिपली एट जीरो टू वन वन एच ये प्रोटोकॉल है शॉर्ट मैक हेडर्स नल डाटा पैकेट्स शॉर्ट बेकॉन्स इम्प्लिसनोलजमेंट नो एक्नोलॉलेजमेंट और एसोसिएट डिवाइस ग्रेटर दैन एट थाउजेंड दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द प्रोटोकॉल ओ एस आई मॉडल मैक क्लेयर है ओ एस आई मॉडल फिजिकल लेयर है फिजिकल लेयर में ये एट जीरो टू पॉइंट वन एच इसमें लाइसेंस एग्जाम बैंड बिलो वन गीगा हर्ड्स नैरोफ डी एम मॉडुलेशन एम आई एम ओ एर एम यू एम आई एम ओ उसके बाद ये यहाँ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड दिए हुए हैं इसके अंदर और क्या इम्पोर्टेंट uh, है टू मीडियम एक्सेस स्कीम्स कौन कौन सी स्कीम है पॉइंट कोर्डीनेटेड फंक्शन पी और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन पॉइंट कोर्डीनेटेड फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन तो पॉइंट कोऑर्डिनेशन के अंदर सेंट्रलाइज है वो और उसके बाद क्या है फोर इंफ्रास्ट्रक्चर मोड ठीक आ, uh, है पॉइंट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन सेंट्रलाइज है और डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन फॉर अडह मोड अडोक मोड के लिए सी एस एम ए सी ए यूज करता है और बैक ऑफ बैक ऑफ उसमें एक्सपोनेंशियल है मैक इन आई ट्रिपली एट जीरो टू इसके अंदर मैक का क्या रोल है देखिए सेंडर uh, ये है उसके बाद क्या है आइडल uh, ये वेट फॉर द राइट राइट टू सेंड और वेट फॉर द एक्नोलिजमेंट ये इसका फ्लो चार्ट है यहाँ से डाटा सेंड होगा वेट फॉर द राइट टू सेंड उसके बाद सी टी एस इसको मिला और उसके बाद वेट फॉर द एक्नोलिजमेंट एक्नोलॉजमेंट के लिए वेट करते हैं एक्नोलिजमेंट आ गया एक्नोलिजमेंट आने के बाद फिर क्या होगा कि दोबारा से वो साइकिल चलेगा और यहाँ से क्या है रिसीवर रिसीवर एंड के ऊपर क्या है कि आइडल है उसके बाद वेट फॉर द डाटा डाटा के लिए वेट करेगा उसके बाद डाटा एक्नोलेज कर देगा फिर उसके बाद आर्यल स्टेट में चला जाएगा ये चलता रहेगा आई ट्रिपल एट जीरो पॉइंट वन वन का और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तो ये नेटवर्क है वायर्ड uh, नेटवर्क और यहाँ देखिए अडोक नेटवर्क है वायरलेस नेटवर्क है ये वायरलेस नेटवर्क है ठीक है इनका आपस में कनेक्शन वायर के थ्रू है ये वायरलेस है दीज आर एक्सेस पॉइंट्स दीज आर एक्सेस पॉइंट्स डिफरेंट एक्सेस पॉइंट दीज आर वायर्ड नेटवर्क तो इधर ऑडोक नेटवर्क और वाइड नेटवर्क दोनों शो किए गए हैं एट जीरो टू पॉइंट वन वन इंफ्रास्ट्रक्चर मोड इसके अंदर देखिए स्टेशन है स्टेशन आ, होगा तो उसमें क्या है टर्मिनल विद द एक्सेस मैकेनिजम्स टू द वायर वायरलेस मीडियम एंड रेडियो कॉन्टेक्ट टू द एक्सेस पॉइंट बेसिक सर्विस सेट बी एस एस ग्रुप ऑफ स्टेशन यूजिंग द सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सेस पॉइंट क्या है स्टेशन इंटीग्रेटेड इन टू द वायरलेस लैन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसके बाद है प्रोटोकॉल पोर्टल पौर, सॉरी पोर्टल के अंदर क्या है कि ब्रिज टू ब्रिज ब्रिज टू अदर वायर्ड नेटवर्क वहाँ पोर्टल यूज होता है ब्रिज से लेके दूसरे वायर्ड नेटवर्क के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंटरकनिक्शन नेटवर्क टू फॉर्म ए लॉजिक नेटवर्क एक्सटेंडिड सर्विस सेट एंड

Uh, ये है ग्रुप ऑफ द स्टेशन इन द रेंज एंड यूजिंग द सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी हाई ट्रिपल स्टैंडर्ड एट जीरो टू पॉइंट वन वन इसके अंदर क्या है कि uh, इसके मोबाइल uh, टर्मिनल है मोबाइल टर्मिनल के अंदर एप्लीकेशन टी सी पी आई पी एल 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 सी दीज आर डिफरेंट लेयर्स और यहाँ पर एक्सेस uh, पॉइंट और ये फिक्स टर्मिनल के लिए दीज आर डिफरेंट

2.4 गीगाहर्ट्ज़ का यूज़ करता है स्प्रेडिंग डी स्प्रेडिंग सिग्नल स्ट्रेंथ टिपिकली वन मेगाबिट पर सेकंड और मिनिमम 2.5 फ्रीक्वेंसी हॉप्स यूज़ होंगे पर सेकंड यूज होंगे uh, होते हैं अमेरिका के अंदर यू के अंदर टू लेवल जी एफ जी एफ एस के मॉडुलेशन डी एस एस डायरेक्ट सिक्वेंस की बात करें तो टू पॉइंट फोर गीगा हड्स का है डी बी पी पी एस पी एस के एंड डी क्यू पी एस के मॉडुलेशन डिफेंशियल बाइनरी शिफ्ट किंग फेज किंग शिफ्ट किंग एंड डिफेंशियल क्वाड्रेचर पी एस के और साइफर uh, कोड्स होते हैं जैसे मीन्स मॉडुलेशन के लिए जो यूज़ होते हैं तो इसके अंदर हम इसको चिपिंग सिक्वेंस बोलते हैं ये डिफरेंट बार बारकर कोड है और मैक्सिमम रेडिएटेड पावर क्या है वन वॉट यूएसए में हंड्रेड मिली वाट यूरोप के अंदर मिनिमम वन मिली तक है और इन्फ्रारेड के एट फाइव जीरो टू नाइन फाइव जीरो तक की वेवलेंथ uh, यूज़ होती है डिफ्यूज लाइट टिपिकल टेन मीटर रेंज डाटा रेट्स वन टू टू एम बी पी एस आई के स्टैंडर्ड हैं दीज टू स्टैंडर्ड आर यूज आई ट्रिपली एट जीरो टू पॉइंट वन वन ए मेक्स द यूज़ ऑफ फाइव गीगाहर्ट्ज हर्ट्स बैंड प्रोवाइड्स रेट्स ऑफ सिक्स नाइन ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट फिफ्टी फोर दीज आर द डिफरेंट रेट्स विच आर यूज यूज ऑर्थोगनल फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग वो एफ डी एम यूज़ करता है सब कैरियर मॉडुलेटेड यूजिंग बी पी एस के क्यू पी एस के सिक्सटीन क्यू एम और दिक्सटी फोर क्यू एम यूज़ होता है और आई ट्रिपल एट जीरो टू पॉइंट वन वन बी के अंदर क्या होता है प्रोवाइड डाटा रेट फाइव पॉइंट फाइव एंड एलेवन एम बी पी एस की स्पीड होती है और डी एस 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 एंड कॉम्प्लीमेंट्री कोड किंग सी सी के मॉडुलेशन ये मॉडोलेशन uh, होती है एट जीरो टू पॉइंट वन वन जी के अंदर क्या है एक्सटेंड्स डाटा रेट टू अप फिफ्टी फोर एम बी पी एस यूज ओ एफ डी एम इन द टू पॉइंट फोर और एट जीरो टू पॉइंट वन वन में मैकलियर का क्या रोल है ट्रैफिक सर्विसेज एसिंक्रोनस इंक्र डाटा सर्विस मैंडेट्री है और एक्सचेंज ऑफ डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन बेस्ट एफर्ट डेटा पैकेट्स का एक्सचेंज होता है और सपोर्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट दोनों को सपोर्ट करता है टाइम बाउंड सर्विस ऑप्शनल है ये मैंडेटरी थी सर्विस ये टाइम बाउंड है ये ऑप्शनल है इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पीसीएफ पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन और एक्सेस मेथड्स क्या है डी सी एफ सी एस एम एस सी ए मैंनेडेट्री है और कोलिजन अवॉइडेंस वाई बैक ऑफ और मिनिमम डिस्टेंस आई एफ एस बिटवीन दूटिव पैकेट एक्नोलेंट पैकेट फॉर द एक्नोलेंट्स नॉट फॉर ब्रॉडकास्ट ये एक्नोलेंट के लिए यूज होते ब्रॉडकास्ट के लिए नहीं यूज होते डी सी एफ एंड आर टी एस सी टी एस ऑप्शनल डिस्ट्रीब्यूटेड फाउंडेशन वायरलेस मैक और अवैस हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम और पी सी एफ एक्सेस पॉइंट पोल्स टर्मिनल अकॉर्डिंग टू ए लिस्ट प्रायरिटीज क्या हैं डिफाइंड थ्रू द डिफरेंट इंटरफ्रेम स्पेसिस एस आई एफ एस शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेसिंग और हाइएस्ट प्रायरिटी है फॉर एक्नोलेंट सी टी एस एंड पॉलिंग रिस्पॉन्स प्रायरिटी हाईएस्ट रखते हैं इसकी और पी आई एफ एस ये है कि मीडियम प्रायोरिटी फॉर द टाइम बाउंड सर्विसेज यूजिंग पीसीएफ और डी आई एफ एस इसके अंदर क्या है कि लोएस्ट प्रायोरिटी फॉर द एसिंक्रोनस डाटा सर्विसेज 8.02.11 एक्सेस स्कीम डिटेल्स सेंडिंग यूनिकास पैकेट्स यूनिकास पैकेट्स सेंड करने का स्टेशन हैज़ टू वेट फॉर द डीआईएफएस देखिए स्टेशन जो है वेट करेगा डीआईएफएस का बिफोर सेंडिंग डाटा डीआईएफएस शोस शोज द इंटरफ्रेम स्पेसिंग ओके तो उसके बाद क्या है रिसीवर एक्नोलॉजी एट वंस आफ्टर वेटिंग ऑफ फॉर एस आई

एक्सेस स्कीम डिटेल्स क्या है सेंडिंग यूनिकास पैकेट्स स्टेशन कैन सेंड आर टी एस विद द रिजर्वेशन पैरामीटर्स आफ्टर वेटिंग फॉर डी आई एफ एस रिजर्वेशन डेटरमाइंस अबाउट द टाइम द डेटा पैकेट नीड्स द मीडियम ओके एक्नोलॉजमेंट बाई सी टी एस आफ्टर एस आई एफ एस बाय रिसीवर उसके बाद सेंडर कैन नाउ सेंड द डाटा एट एक्नोलॉजमेंट बाई ए सी के देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले डी होगा फिर आर ठीक है स्टेशन कैन सेंड आर टी एस विद द रिजर्वेशन पैरामीटर और उसके बाद एस आई एफ एस फिर सी टी एस ठीक है आर टी एस मीन्स रिक्वेस्ट टू सेंड एंड सी टी एस सी टी एस मीन्स क्लियर टू सेंड ये पहले बात हो चुकी है इन चीजों की तो बार बार इनको फुल फॉर्म ना बोल मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं ठीक है तो ये इस तरीके से डाटा ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेम फॉर्मेट क्या है टाइप्स कंट्रोल ये फ्रेम है देखिए ठीक है फ्रेम कंट्रोल सबसे पहले कंट्रोल फ्रेम्स होंगे फिर मैनेजमेंट फ्रेम होंगे फिर डाटा फ्रेम्स होंगे कंट्रोल फ्रेम तीन टाइप के फ्रेम्स होते हैं कंट्रोल फ्रेम मैनेजमेंट फ्रेम और डेटा फ्रेम्स उसमें क्या है कि सीक्वेंस नंबर क्या होगा इंपॉर्टेंट अगेंस्ट द डुप्लीकेट फ्रेम्स ड्यू टू द लोस्ट टेक्नोलॉजी और एड्रेस क्या है रिसीवर ट्रांसमीटर बी एस एस और आइडेंटिफायर सेंडर वगैरह ये चीज़ें हैं मिसलनियस सेंडिंग टाइम चेकसम फ्रेम कंट्रोल डाटा ये सब चीज़ आपको यहाँ दिखेंगे जैसे ड्यूरेशन है एड्रेस है एड्रेस दिस आर एड्रेस दिस जा सिक्वेंस कंट्रोल बात की थी ना मैंने सिक्वेंस कंट्रोल फ्रेम्स मैनेजमेंट फ्रेम और डाटा फ्रेम्स की तो इस टाइप में आपको एड्रेस फिर डाटा फिर सी आर सी ठीक है मैक मैनेजमेंट सिंक्रोनाइजेशन के वर्क uh, करता है ट्राई टू फाइंड ए लैंड ट्राई टू स्टे विद ए लैन उसके बाद टाइमर होता है इसमें टाइमर मैनेजमेंट के वर्क करता है मैक मैनेजमेंट का का उसका वर्क है क्या क्या इशूज आते हैं मैक मैनेजमेंट में पावर मैनेजमेंट इसको भी डील करता है स्लीप मोड विदाउट मिसिंग ए मैसेज और पीरियडिक स्लीप फ्रेम बफरिंग ट्रैफिक मेजरमेंट और एसोसिएशन और री एसोसिएशन इंटीग्रेशन इन टू ए लैन रोमिंग चेंज नेटवर्क बाई चेंजिंग एक्सेस पॉइंट रोमिंग का मतलब क्या है चेंज नेटवर्क बाई चेंजिंग एक्सेस पॉइंट्स और स्कैनिंग एक्टिव सर्च फॉर ए नेटवर्क एम आई बी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस और इसका वर्क क्या है मैनेजिंग या रीड और राइट ये सब चीज़ रोमिंग क्या है नो और बैड कनेक्शन यदि कनेक्शन नहीं है आपके पास या कम कम सिग्नल है तो क्या होगा स्कैनिंग होगी स्कैन द एनवायरनमेंट लिसन टू द मीडियम टू बेकन सिग्नल्स पैसिव सिग्नल्स और सेंट प्रॉब्स एक्टिव सिग्नल भेजेगा इन टू द मीडियम एंड वेट फॉर एन आंसर ठीक है या तो दो ऑप्शन है या तो वो वेट करता रहेगा वहाँ से कोई सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा मीन्स आपके पास सिग्नल कम हो गया हाँ किसी आपके पास किसी कंपनी का मोबाइल है सपोज करो मैं मोबाइल के रेफरेंस में दे रहा हूँ और तो वहाँ सिग्नल आपके पास वीक है तो अब दो ऑप्शन है या तो आप आपका मोबाइल एनवायरमेंट में लिसन करना शुरू कर देगा आसपास किसका सिग्नल प्रॉपर आ रहा है तो वो पैसिव बोलते हैं उसको बीकन सिग्नल जो पैसिव होते हैं उसको पैसिव स्कैनिंग होगी एक्टिव स्कैनिंग स्कैनिंग क्या है कि सेंड प्रॉब्स वो अपनी तरफ से कोई सिग्नल भेजेगा और वहाँ से रिस्पॉन् रिस्पॉन्स का वेट करेगा कि कोई रिस्पॉन्स आ रहा response आ या नहीं री एसोशन रिक्वेस्ट स्टेशन सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू वन और सेवरल ए पीज री एसोसिएशन रिस्पॉन्स जो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा सक्सेस या फेलियर दोनों में से कुछ भी हो सकता है ए पी एक्सेप्ट री एसोसिएशन रिक्वेस्ट सिग्नल द न्यू स्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपलोड्स इट्स डाटा ठीक है और टिपिकली क्या होगा द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाउ इनफॉर्म्स द ओल्ड एपीज सो इट कैन रिलीज रिसोर्सिस ठीक है तो ये सारा प्रोसेस होता है जब हैंड ऑफ होता है तो uh, ये ये प्रोसेस है इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस एट जीरो मॉडल ऑफ डी सी एफ मैक्सिमम लोड क्या है सिस्टम कैन कैरी इज इन ए स्टेबल कंडीशन और फोकस ऑन द कोलिजन अवॉइडेंस एंड बैक ऑफ एल्गोरिदम्स अब आगे अब तक जो हम बात कर रहे थे शॉर्ट रेंज की कर रहे थे अब जो आ गए हमारे पास वो लॉन्ग रेंज क्लियर प्रोटोकॉल है लॉन्ग रेंज मै क्लेयर प्रोटोकॉल हमने नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ी है यहाँ भी हम कुछ उसको करेंगे बाकी नेक्स्ट uh, टॉपिक के अंदर भी हम वो कवर करेंगे बेस्ड ऑन देअर ऑन रिक्वायरमेंट सच एज रेट डिस्टेंस कवरेज रोबर्सनेस एक्सेट्रा द एग्जिस्टिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल नीड सम अडेप्शन टू मीट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू अटेंड द आई ओ टी सर्विस जो हमारे एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो प्रोटोकॉल है, जब हमें उनको स्पेसिफिकली आईओटी के लिए जब हम यूज़ यूज़ करना चाहते हैं उसमें कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट होगी इन सम केसेस सम प्रोटोकॉल्स वर डेवलप्ड टू मीट द आईओटी एप्लीकेशन जो आईओटी के इंट्रोडक्शन के बाद या उसके थोड़ा जब उसने डेवलप डेवलपिंग स्टेज में जब वो थी और थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट किया तो उस टाइम जो डेवलप हुए प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए तो उसने आई

इस चीज की हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर यहाँ छूट गया वो है कि मिनिमम पावर कंजम्पशन के साथ फॉलोइंग आर लॉन्ग रेंज मैक्लियर प्रोटोकॉल्स नैरो बैंड और एनबी आईओटी नैरो बैंड आईओपी आईओटी सिस्टम्स कैन बी इंप्लीमेंटेड और ऑटोनॉमस सिस्टम इन द ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन बैंड and employed in the lt bandwidth carrier in the lt bandwidth guard band due to the re reduction in the nb IoT bandwidth to 180 khz low data rate devices can have the extended coverage complexity reduction and low power consumption for, for scenarios with the coverage problems

डाउनलिंक क्यू पी एस के और लिंक बजट क्या है अप टू वन सिक्सटी फोर डी बी और डेटा रेट क्या है ट्वेंटी फाइव के बी पी एस लेटेंसी लेस देन टेन सेकेंड्स और लो पावर क्या है ई डी आर एक्स पावर सेविंग मोड के अंदर काम करेगा और फीचर स्पो स्पोर्टेड क्या है एच ए आर क्यू और अपलिंक अपलिंक पावर कंट्रोल लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एनहांस्ड मशीन एनहांस्ड मशीन टाइप कम्युनिकेशन इसको एल शॉर्ट फॉर्म है एल टी ई एम टी ठीक है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एनहांस्ड मशीन टाइप कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये और स्पोर्ट सी ए कैटेगरी कैट जीरो एंड कैट एम मोड्स ये दो मोड है इसमें व एल पी व एल टी ई कैट जीरो इज कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट एम टू एम आई ओ टी एंड कैट एम रिड्यूसिस कंप्लेक्सिटी कीपिंग द कवरेज असेट आस्पेक्ट यूजिंग एग्जिस्टिंग मोबाइल सेलवे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तो कैट जीरो कैटम क्या है कैटम जो है वो एग्जिस्टिंग मोबाइल सेलुलर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है और कैट जीरो दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द एम टू एम और आई ओ टी एल टी ई एम टी सी काउंट्स ऑन द सेम मोबाइल टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स एज सिक्योरिटी प्राइवेसी डाटा रिलायबिलिटी एंड द डिवाइस आइडेंटिफिकेशन ठीक है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वही आपको इसमें मिलेंगे और एल टी डी विद द एम टी सी एंड आई ओ टी रिक्वायरमेंट्स एज फॉलोज कैट जीरो वर्जन ट्वेल्व इसके अंदर क्या है सिंस कैटेगरी वन हैज़ लो ट्रांसमिशन कैपेसिटी एंड न्यू कैटेगरी हैज़ बिकम नेसेसरी टू सपोर्ट द न्यू चैलेंजेज ऑफ एम टी सी एंड आई ओ टी द कैटेगरी जीरो और कैटेगरी जीरो ऑफ आर ट्वेल्व हैव लोअर हार्डवेयर कम्प्लेक्टी वन कम्पेयर टू द कैटेगरी वन जब कैटेगरी वन से कंपेयर करते हैं तो इसमें कम्प्लेक्सिटी कम है कैटेगरी एम के अंदर क्या है वर्जन थर्टीन आर थर्टीन विद द ऑब्जेक्टिव न्यू कम्प्लेक्सिटी रिडक्शन टेक्निक्स कंप्लेक्सिटी हमें कम से कम करनी है हमें पावर कम से कम करनी है हमें स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है हमें डेटा रेट मैक्सिमम करना है ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जो हम चाहते हैं जिनको टैकल करना चाहते हैं जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं टगरी एम वॉज प्रोपोज इन आर थर्टीन रिलीज थर्टीन लॉन्ग टर्मशन इवोल्यूशन एनहांस्ड मशीन टाइप कम्युनिकेशन और इसके अंदर ही आगे नेक्स्ट पॉइंट है कैटेगरी एन वर्जन थर्टीन आर रिलीज थर्टीन ये मेजर आई ओ टी डिवाइस और एम टी सी टिपिकली डील विद द लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज टू ट्रांसमिट द फ्यू डाटा बाइट्स Or, category N has been incorporated into the LTE specification in sport with the required functionality. The main objective of the category N is to improve the distance coverage, reducing the complexity, and as the consequence, a greater battery life cycle. Long term evolution announced. मशीन टाइप कम्युनिकेशन और या एल इसके डाउन लिंक लेयर्स लेयर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर फिज़िकल लेयर मैक लेयर नेट और नेटवर्क लेयर और हायर लेयर्स ये डिफरेंट लेयर्स हैं इसके अंदर तो ये सब इसमें शो किया हुआ है देखिए अपलिंक लेयर्स अपलिंक लेयर्स में फिज़िकल मैक नेट और हायर लेयर्स ये सब चीज़ शो की हुई है यहाँ आप देख लीजिए इसको सिगफ क्या है इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट ब्रिंग्स ए न्यू नेटवर्क एंड आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजी टू आईओटी ओ टी नेम्ड बाई इट्स डेवलपर ए ग्रुप फ्रॉम लेबेज फ्रांस विद द सेम ने सिगफ इज ए आईओटी प्लेयर विद ए नेटवर्क ऑपरेटर बिजनेस मॉडल used by द एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लो डाटा रेट्स जहाँ लो data डाटा रेट्स चाहिए आगे भी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा आपको इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में आएंगे चीज़ें लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि कुछ डिवाइस कुछ प्रोटोकॉल जैसे हैं जो ज, जो आप डिफरेंट डिवाइसिस के लिए यूज़ करते हैं मीन्स हम थिंग्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं और हर जब हम हर चीज़ को एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ेंगे तो हमें बहुत हाई बहुत हाई रेट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं चाहिए हमें बहुत ज़्यादा बिट रेट थ्रोपुट नहीं चाहिए बहुत कम थ्रोपुट होगी तो काम चल जाएगा एक तो हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं हमारी डेटा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है जब मैं किसी थिंग की बात करता हूँ तो उसको जस्ट कुछ नंबर्स भेजने होते हैं कुछ डाटा भेजना होता है या कुछ uh, uh, कुछ मैसेज कन्वे करना होता है तो थिंग्स टू थिंग्स कम्युनिकेशन में जनरली क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा जो थ्रोपुट है वो बहुत कम चाहिए होता है तो वहाँ हमारे हमारा काम चल जाता है यदि हम उसके अंदर लो आ, लो स्पीड का भी आ, कोई प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो लो थ्रो पुट नेटवर्क एल टी एन प्रोटोकॉल एज डिफाइंड बाय दी एस आई आर एम टी जी ट्वेंटी स्टैंडर्ड है बेस्ड ऑन द अल्ट्रानेड हर्ड ट्रांसमिशन बैंड इन ई टी एस आई एंड ए आर आई बी जापानीज रेगुलेटरी बॉडी एसोसिएशन ऑफ द रेडियो इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस जैसे अपने यहाँ ट्राई है ये जापान से रिलेटेड एसोसिएशन है अथॉरिटी है यू कैन से और रीजनज एंड सिक्स हंड्रेड ट्रांसमिशन बैंड इन एफ सी सी उसके बाद क्या है सिकफोक्स प्रोटोकॉल स्टैक ये देखिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है फिजिकल लेयर है ये मैक लेयर है उसके बाद ये रेडियो फ्रेम क्रिएशन सीक्वेंस नंबर और फॉक्स लेयर फीचर्स ये सारी दी गई हैं ठीक है मॉड्यूलेशन क्या यूज़ होता है बिट रेट क्या है ट्रांसमिशन पावर क्या है और ऑपरेशन फ्रीक्वेंसीज uh, ये सब फिजिकल लेयर में आती है मैक लेयर में ऑथेंटिकेशन आते हैं एरर डिटेक्शन कोड आते हैं नो सिग्नलिंग फॉर मैक टिकल रेडियो मीडियम मल्टीपल एक्सेस स्कीम कंपेरिजन शॉर्ट रेंज का शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल्स का कंपेरिजन है डिफरेंट जो हमने आर एफ आई डी एन एफ सी ब्लूटूथ और लो एनर्जी ब्लूटूथ और आई ट्रिपली एट जीरो फोर वायरलेस हार्ट जेड वेव वेटलेस डब्ल्यू वेटलेस एन वेटलेस पी आई ट्रिपली एट जीरो टू पॉइंट वन वन ए एच ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है लो रेंज के लिए इसका कंपेरिजन दिया गया है यहाँ लॉन्ग रेंज के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनका uh, दिया गया है कंपेरिजन ठीक है ये हमने मेन मेन जो मैक्स से रिलेटेड प्रोटोकॉल थे वो पढ़े लॉन्ग रेंज के लिए हम आगे भी कुछ स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ेंगे ठीक है ये लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ थैंक यू